आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। कोविड 19 कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जहां देश की जनता से सक्रिय सहयोग से हम देश में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह को सावधानी व सही तरीके से पालन कर वायरस के स्थानीय प्रसार को रोका जा सकता है। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनपद बलिया के कई ग्राम प्रधानों ने सैनिटाइजर, मास्क, छिड़काव, क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करते नजर आ रहे हैं। बलिया में प्रशासन और जनता के सहयोग पर इस वैश्विक महामारी पर काफी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नतीजा ये है कि अभी तक जनपद के किसी भी हिस्से में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर और जिले के अन्य ग्राम सभाओं के वर्तमान प्रधानों से कोविड 19 की रक्षा और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ग्राम सभा बनकटा कला, पनीचा, भागीपुर और अहिरौली पांडे के ग्राम प्रधानों से केकेडी संवाददाता कमाल खान ने खास बातचीत। ये विश्व स्तर की बीमारी है, ये कोरोना महामारी कोविड 19 के नाम से मशहूर है, जिसका प्रथम प्रचलन दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पाया गया, जिसको चीन ने छुपाने की कोशिश की और इस वजह से पूरा विश्व परेशान हुआ और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर युद्ध स्तर पर पहल नहीं की। पहल करने से चूकने की वजह से पूरा विश्व परेशान है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, जो भी शक्तिशाली देश हैं स्वास्थ्य संबंधित, वे भारत से ज़्यादा परेशान हैं। इस महामारी में भारत ने अच्छा कदम उठाया और 21 दिन का लॉकडाउन किया। इस लॉकडाउन से हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। ये एक ऐसी महामारी है जिससे छूने से या इसके मेन लक्षण है खांसी, बुखार, जुखाम, सर्दी, गले में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ और शरीर का आलस होना। लोगों से ये बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित रहिए और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें और अपने घर में रहें। हमारे ग्राम सभा में सफाई का ध्यान दिया गया है, साफ सफाई कराया गया है और जैसे मास्क को मास्क का वितरण भी किया गया है, साबुन और उनको सलाह भी दी गई है कि आप लोग अपने घर में रहें। और जो लोग अंतर राज्यों से आए हुए हैं जी, उनकी क्या व्यवस्था रहे? उनको डॉक्टर को सूचना दी गई, डॉक्टर साहब आए और उनको जांच किए और उनको सलाह दी गई कि आप अपने घर से एकांत जगह रहिए और 14 दिन आप लोग को क्वारंटाइन में रहना है। तो लगभग कितने लोग आए हैं? 10-15 लोग आए थे। जैसे आप द्वारा क्वारंटाइन करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई? हमारे यहाँ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास, जैसे गाँव में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि कमरे का अभाव होता है, रूम का अभाव होता है, 10-15 परिवार एक ही रूम में रहते हैं, तो अगर उस तरह का कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था है, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जो भी आए उनको मैं समझाया कि चलिए आप लोग आए हैं तो लोग कहे कि मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। अभी एक बार छिड़काव कराया गया है और फिर 17 तारीख को उसकी व्यवस्था है होने की। अंतर जन राज्यों से जो लोग आ रहे हैं जी, उनको क्वारंटाइन करने की क्या व्यवस्था है? उसको क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था हर ग्राम सभा द्वारा व्यवस्था, ग्राम प्राइमरी पाठशाला या मिडिल स्कूल जो भी है उसकी व्यवस्था की गई है। उसमें जिसे है कि जो बाहर से आ रहा है उसको रखने की व्यवस्था है और कुछ लोग आए हैं तो वो ठीक हैं अपनी स्थिति से और एहतियात के तौर पर अपने घर में ही अलग रूम में उनकी व्यवस्था, उनके परिवार के लोगों से बात किया गया तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम इनकी 14 दिन की व्यवस्था जो है अलग घर में किए हुए हैं और उनकी सुरक्षा खुद वो कर रहे हैं। ये बताइए अभी तक लगभग कितने लोग बाहर जा चुके हैं? हमारे गाँव में हर एक हफ्ता पे सफाई कर्मी आ रहे हैं, दवा की छिड़काव रेगुलर चल रही है और जो भी व्यवस्थाएं हैं सबको व्यवस्थित किया गया है और सारा सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। जैसे जो बाहर से अंतर राज्यों से आए हुए लोग हैं उनको क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था है? क्वारंटाइन किया गया है 6 बच्चों को, वहाँ अहिरौली पांडे प्राइमरी स्कूल है उसी में 6 बच्चों को रखा गया है। अब उन लोगों का जो है दोनों तीनों टाइम दवा वगैरह का व्यवस्था है, खान पान का व्यवस्था है, सभी काम जो है उन लोगों का सुचारू रूप से चल रहा है और डॉक्टर साहब भी समय से लोग आ जा रहे हैं और उनकी जांच में प्रक्रिया किया
काम चल रहा है। जैसे कितने कुल कितने लोग आए थे? हमारे गांव में तो लगभग 23 लोग आए थे। कुछ लोग तो बहुत पहले आके अपने घर में अंदर प्रवेश कर गए थे, लेकिन उनको भी समझा बुझा के अपने घर में ही उनको क्वारंटाइन किया गया है। और बाकी जो 6 बच्चे आए थे बाद में वहाँ से जयपुर से, तो उनको क्वारंटाइन किया गया है वहाँ प्राइमरी स्कूल में। जैसे सरकार की मंशा है कि लोगों तक मुफ्त में राशन पहुंचाया जाए, जी जी जी, और पहुंचाया भी जा रहा है, जी जी, तो आपके गांव में जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, जी जी, वहां पे राशन वितरण की प्रक्रिया क्या है, किस तरह चल रहा है? नहीं, वहां बहुत ईमानदारी से हमारे दोनों कोटदार लोग जो है ईमानदारी से वितरण कर रहे हैं। और बाकी जो असहाय व्यक्ति जिनका राशन कार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, उनको राशन नहीं मिला, उनको हम लोग ने अपने स्तर से जो है राशन वितरण किया गया। 40-45 परिवार ऐसे थे जो एकदम असहाय थे, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो उन लोगों को आटा चावल दाल और ये नमक वगैरह मसाला वगैरह सब वितरण किया गया है तहसीलदार साहब के माध्यम से। तहसीलदार साहब भी थे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में प्रधानमंत्री द्वारा अब 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोरोना महामारी से संक्रमित होने के जोखिम के चलते प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा रहा है। देश में जहां लॉकडाउन का पालन कराने वाले पुलिस कर्मियों पर हमले की खबरें सामने आ रही है, वहीं आज नगर पंचायत सिकंदरपुर के नगर वासियों ने अनूठी पहल करते हुए पुलिस अधिकारियों पर पुष्प वर्षा का मामला सामने आया है। अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों पर नगर पंचायत सिकंदरपुर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। क्षेत्र अधिकारी पवन कुमार, थाना अध्यक्ष पाल मुकुंद तिवारी और चौकी प्रभारी अजित यादव अपनी टीम के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नगर पंचायत सिकंदरपुर में फ्लैग मार्च कर रहे थे, जिसके बाद राष्ट्रीय सेवक संघ और नगर पंचायत सिकंदरपुर के तमाम छोटे बड़े पुरुष महिला अपनी छतों और बालकनी से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का फूल बरसा कर स्वागत करने लगे। वहीं सीएचसी सिकंदरपुर पहुंचे सीएमओ बलिया ने सीएचसी सिकंदरपुर का औपचारिक निरीक्षण किया और सोशल डिस्टेंस की जानकारी, जिसके बाद सीएचसी परिसर में मौजूद लोगों ने सीएमओ बलिया का भी पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। चल रही है, आप अपने घरों में रहें, अपने अपने घर में निकलें, घर से बाहर कदाच में निकलें, घर के अंदर रहें। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। सिकंदरपुर सीएससी पर आने का उद्देश्य क्या है? हम लोग बीच बीच में रेगुलर दौरा करते रहते हैं, उद्देश्य कुछ नहीं, उद्देश्य ये देखना है कि चाक चौबंद हमारी सोशल डिस्टेंसिंग वो चल रही है कि नहीं। तो जैसे ड्यूटी रजिस्टर में क्या पाया? ड्यूटी रजिस्टर में भी चेक किया जाता है कि सभी लोग सही सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखा गया। और क्या, सभी लोग थे। हॉस्पिटल के सैनिटाइजर के बारे में कोई जानकारी ली गई? सैनिटाइजेशन तो अधीक्षक साहब तो रेगुलर करा ही रहे हैं, ये उनसे पूछा गया, इन्होंने बताया कि रेगुलर हो रही है। अब सोशल डिस्टेंस के बारे में यहाँ के पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है जब भी बाहर निकलें तो मास्क, रुमाल, गमछा कुछ भी लगा के निकलें, और हमेशा एक मीटर से 2 मीटर के बीच में आप डिस्टेंस बना के रखें, सब लोग गैदरिंग ना करें। डिस्टेंसिंग का मानक क्या होना चाहिए, कितनी दूरी? कह तो रहे हैं 1 मीटर से ज़्यादा या 1 मीटर होना चाहिए। इससे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज।